No sé de qué va. Левин. Только спелочку уже, ты только рано. जेफसी कीपर अरे भाई चनम नो वल का चनम चनम ओए ओए बाबू चलो साइड
सेकंड राउंड का दूसरा मैच हम लोग देख रहे हैं कोल्हान टाइगर एक बैक वर्सेस जागुआर अलवर के बीच बहुत ही अच्छे अच्छे खिलाड़ियों से समावेश तीसरा मैच खेलने के लिए तैयार रहेंगे सेकंड राउंड का केपीएस वर्सेस डंगी लेप्सी सेकेंड राउंड का तीसरा मैच इस खेल के बाद होगा केपीएस वर्सेस डंगी लेप्सी और चौथा मैच होगा सेकेंड राउंड का रेंजिम ग्रुप वर्सेस एक्टर जैक्सन बाबू टीम बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन कोल्हान टाइगर इज बैक वर्सेस जागुआर अलेवन के बीच में और प्रथम चक्र में जागुआर अलेवन की टीम ने काफी मजबूत टीम चोलागोड़ा एफसी को पराजित किया हेड टेल के माध्यम से और इस प्रतियोगिता में प्रति प्लस का खेल भी कल होगा जो कि 13/8/2021 प्रतियोगिता कल ही फाइनल होगा और प्रति प्लस में ये सभी टीमें प्रवेश लिए हैं मैं टीम का नाम बताना चाहूंगा पहला मैच होगा सुबह 8:30 बजे से बादरी पंचायत वर्सेस रॉयल और दूसरा मैच होगा संग्राम एंड संग्राम वर्सेस जीकपाली ब्रदर्स तीसरा मैच होगा बिटारी टीम संचिर वर्सेस बीपीएमसी चौथा मैच होगा पुट्टी प्लस यर्स और पांचवा मैच होगा सरेकेला टाइगर वर्सेस आचू चौथा मैच होगा एक्स आर्मी वर्सेस टाटा टेलको बहुत ही शानदार प्रदर्शन है प्रेम प्रकाश बिरवा जी और एआर टू पर प्रकाश सावया जी है
पूरा टीम को बहुत ही अच्छे तरह से हैंडलिंग कर रहे हैं। सभी नेत्रबाधियों को मैं अपने ओर से और कल एक सब्स्टिट्यूट होता हुआ यहाँ पर खतरनाक स्ट्राइकर चतुर मुर्मू को बाहर आना पड़ा। यहाँ पर सानो बिरुली अभी अभी इन किए हैं मैदान में। ठाकुर किसको के पास बॉल, खेल बौना का ही खेल को अपना खेल को प्रदर्शन करेंगे, गलत खेल का नहीं किसी अगेंस्ट टीम के खिलाड़ी को चोट पहुंचाने के इरादे से नहीं खेलेंगे। खेल में टैकलिंग और मेकलिंग होती रहती है, आप उसको सहना होगा। कोलान टाइगर इज बैक और कम बैक करेंगे नहीं, देखने वाली बात होगी। जागुर एलेवन की टीम पहला मैच में नहीं खेले थे और टीम प्रबंधक चतुराई भाई सोच और विचार के साथ अपने खिलाड़ियों को मैदान में प्रवेश करा रहे हैं। जानते हैं एक आज एक से बढ़कर एक दुरंधर टीम, एक से बढ़कर एक स्टार खिलाड़ी या उससे लबरेज सभी टीम है, किसी को कम करके आंकना गलत साबित होगा क्योंकि जानते हैं कौन सा खिलाड़ी को रेस्ट दिया जाए, कौन सा खिलाड़ी को प्लेइंग नाइन में शामिल किया जाए और टीम प्रबंधक अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत ही शानदार तालमेल के साथ खेल रही है जगुआर इलेवन की टीम। सुनील के पास बॉल, सबसे युवा खिलाड़ी टीम में जुड़े हुए हैं। खेल के भावना को दर्शाए, आप लोग अच्छे खिलाड़ी हैं, बहस नहीं करेंगे, चलिए खेलिए, आप लोग खेल की भावना के साथ खेलेंगे। खेल में हिस्सा होते रहती है, आपको सहना होगा। मादार से तो नहीं मिल गाड़ी भी क्यों काम चलिए होती रहती है। ये फिर भी दर्शक भाइयों से आग्रह है कि खिलाड़ी को आप नहीं चिढ़ाएंगे तो अच्छी होगी क्योंकि सबसे ये गलती होती है। इसके बाद जो खेल होगा बेहतर हो चुका है।
मैं बार बार दर्शक भाइयों से आग्रह कर रहा हूं, रेफरी के ऊपर और कमेटी के ऊपर और खिलाड़ियों के ऊपर गलत कमेंट्स नहीं करेंगे। यदि पकड़े जाएंगे तो निश्चित तौर रूप से उसको सजा मिलेगी। आगाह करना चाहूंगा, स्कूटी से एक लड़के ने दो लेडीज को या लड़की को बैठा करके मैच के दौरान मैदान के बीच में स्कूटी चलाया, वो पकड़ा गया और सेंटर लाइन में उसको उठा बैठक किया। ऐसा नौबत ना आया है, कमेंट्स कर रहे हैं या रेफरी के ऊपर या गलत कमेंट्स कर रहे हैं खिलाड़ी के ऊपर, ये पहले हुए हैं, पहली नजर रखे हुए हैं, इसलिए ऐसा गलती नहीं करेंगे। दर्शक भाइयों, आप लोग मैच का आनंद ले रहे हैं, अच्छी बात है, आराम से शांत स्वभाव के साथ शांति प्रिय के साथ मैच का आनंद ले। आपको Gracias.